हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज एक फिर एक नया राग लेकर आया हूं। राग है अलहैया बिलावल। वैसे बिलावल थाट सारे थाटों में सबसे बेसिक है, सारे स्वर उसमें शुद्ध आते हैं, लेकिन क्योंकि ये अलहैया बिलावल राग है थोड़ा आगे पढ़ने में आता है, क्योंकि अलहैया बिलावल एक सिंपल सारे शुद्ध स्वरों वाला राग नहीं है। थाट हालांकि बिलावल ही है, शुद्ध स्वरों वाला थाट है, लेकिन इस राग में रे आरोह में और ग अवरोह में वक्र आते हैं और उपरांत इसमें दो ध के बीच कभी कभी कोमल निषाद भी लिया जाता है। इसके कारण ये राग थोड़ा वक्र है, इसलिए बहुत बेसिक वालों को नहीं आता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद आता है। तो आज हम अलहैया बिलावल राग में विलंबित तीन ताल में एक बड़ा ख्याल करने जा रहे हैं। विलंबित ख्याल शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा अलहैया बिलावल राग का परिचय देख लेते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसके बाद हम बड़ा ख्याल देखते हैं। तो बिलावल थाट का एक दोहा है, थाट बिलावल प्रथम दिवस उतरत दो निषाद, आरोहन मध्यम तजी कर मानत धग संवाद। जैसा कि नाम ही दिखाता है, ये बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ राग है अलहैया बिलावल। इसकी जाति शाडव संपूर्ण है। शाडव संपूर्ण इसलिए है कि इसके आरोह में मध्यम वर्जित करके लिया जाता है, अवरोह में सारे स्वर आते हैं, आरोह में मध्यम वर्जित है। इसके उपरांत इसमें दोनों निषाद है, आरोह में शुद्ध निषाद लेते हैं और अवरोह में शुद्ध निषाद भी ले सकते हैं, कोमल निषाद भी ले सकते हैं। कोमल निषाद सिर्फ दो ध के बीच में धनी द प इस तरह से लेते हैं, अन्य बाकी सारे स्वर शुद्ध है। इस राग का गाने का समय दिन का प्रथम प्रहर है और इसका वादी और संवादी ध और ग है, यानी वादी ध संवादी ग। वादी ध है यानी उत्तरांग में है, तो ये राग उत्तरांग वादी है। सप्तक के उत्तर भाग में ज़्यादा गाया बजाया जाता है और तार सप्तक में भी ज़्यादा गाया बजाया जाता है, मंद्र में बहुत नहीं जाता है। इसी तरह इसका गाने का समय भी दिन के उत्तरांग भाग में यानी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में यानी सुबह दिन के प्रथम प्रहर में है। बिलावल के बहुत सारे प्रकार है, यमनी बिलावल, कुकुब बिलावल, शुद्ध बिलावल, बहुत सारे प्रकार हैं। इनमें से ये सबसे मेन प्रकार माना जाता है। जब भी आप सिर्फ बिलावल राग समझे, कहीं बोला जाए कि बिलावल राग, तो ये अलहैया बिलावल ही माना जाता है। अलहैया बिलावल आजकल बहुत फेमस हो चुका और बहुत सब जगह जाना पहचाना और बहुत जगह पे गाया बजाया जाने वाला राग हो चुका है। इस राग के न्यास के स्वर है सा, रे और प, और इस राग से मिलते जुलते राग में है बिलावल राग। बिलावल राग जो कि शुद्ध स्वरों वाला है, जिसमें कोमल निषाद सिर्फ नहीं लगता है, बाकी सारे इसी के स्वर होते हैं। इसके अभी आरोह अवरोह देख लेते हैं। आरोह अवरोह थोड़े वक्र है, देख लीजिए कैसे वक्र है। आरोह में रे को वक्र प्रयोग करते हैं, सा रे ग नहीं लेते हैं, सा ग रे, और म तो वर्जित है तो ग प सा ग रे ग प। अवरोह में ग का वक्र प्रयोग है, इसलिए म ग म रे सा, मगर ऐसा नहीं, म ग म रे सा, इस तरह से आता है। देखिए आरोह शुद्ध नहीं है, सा नी द प ये भी शुद्ध नहीं है, सा नी द प ध नी सा नी द प ये दोनों शुद्ध नहीं है। कोमल नहीं कहाँ आएगा, ध नी द प ये कोमल नहीं है, ध नी द प म ग म रे सा। अब इसकी पकड़ ग रे ग प म ग म रे
ग प ध नि द प म ग म रे अलहया बिलावल का पूरा परिचय हो गया। अब अलहया बिलावल का एक मध्यलय का छोटा ख्याल हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इससे पहले हम बड़ा ख्याल यानी विलंबित ख्याल देख लेते हैं। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए विलंबित तीन ताल 30 BPM की स्पीड में समझाऊंगा, लेकिन एक्चुअली जब उसको बजाते हैं गाते हैं तो 20 BPM की स्पीड में गाना बजाना सही रहता है। तो चलिए डायरेक्ट सुनते हैं इसकी एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन ही, क्योंकि ये विलंबित ख्याल है। मैं आपके सामने अगर बजाऊंगा या गाऊंगा तो आपको इतना रुचि नहीं आएगी इसमें, लेकिन मैं डायरेक्ट इसकी एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, सीख सकें। अब हम बड़ा ख्याल देखें। इससे पहले इस बंदिश में जो विलंबित तीन ताल यूज होता है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब ये जो बंदिश है वो 12.5 मात्रा से शुरू होती है, 12.5, यानी 12 मात्रा खत्म हो जाए 13 मात्रा आए उससे पहले शुरू होती है। देखिए मैं बताता हूँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दे Oh.
अखिल भारतीय महाविद्यालय मंडल की या किसी और भी की, तो इसमें ये सब बड़े ख्याल बहुत काम लगते हैं, सीखने जैसे भी होते हैं, लेकिन बहुत धीरज के साथ आधी आधी लाइन 10-10, 20-20, 50-50 बार गाकर बजाकर सीखना चाहिए। अभी हम इसके अंतरे की ओर आगे बढ़ते हैं। Yeah.
से ये चार लाइन का बड़ा ख्याल है, सिर्फ दो लाइन की स्थाई और दो लाइन का अंतरा। उसकी नोटेशन देख देख के आप अगर 40-50 बार गाएंगे बजाएंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। बहुत अच्छा सा बड़ा ख्याल है अलहया बिलावल का, बहुत स्टैंडर्ड प्रसिद्ध और प्राचीन बड़ा ख्याल है। चलिए एक बार ताल के साथ बांसुरी पर भी मैं आपको ये बड़ा ख्याल स्थाई और अंतरा बजा के सुना देता हूं। 9, 10, 11
ये है बड़ा ख्याल, बांसुरी पे सुनने के बाद आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। अलहया बिलावल के जो मेन स्वर स्वरूप है उसको आप आरोहात्मक अवरोहात्मक और अलंकारिक रीत से लेके आप कुछ भी आलाप कर सकते हैं। सा ग रे ग प म ग म रे ग प द रे द प म ग म रे ग प द नि सा नि द प द नि रे द प म ग म रे सा रे सा दया ग प द नि सा रे सा ग म रे सा रे सा नि द प ग प द नि द प म ग म रे सा रे सा दया कह। इस तरह से आप कुछ भी मन में जो स्वर आए उसका आलाप बहुत स्लो आराम से कर सकते हैं। आलाप हो जाने के बाद आप कुछ तान, मैं अभी जो इसके बाद छोटा ख्याल का एक ट्यूटोरियल दूंगा उसमें कुछ ताने दूंगा आपको, इसमें से आप कुछ तान सेट करके इसके लिए बड़ा ख्याल के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ग रे ग प म ग म रे ग प ध नि ध प म ग म रे ग प ध नि सा नि ध प ध नि ध प म ग म रे सा सारे गरे ग प ध प म ग म रे ग प ध नि सारे गरे सा नि ध प ध नि ध प म ग म रे सा। इस तरह से कुछ भी तान बना सकते हैं, मैं रेडीमेड तान भी आपको दूंगा नोटेशन के साथ, तो आप उसको तैयार करके ये पूरा बड़ा ख्याल की एक प्रस्तुति आप तैयार कर सकते हैं। अलहया बिलावल का ये बहुत प्यारा सा, बहुत जाना माना पहचाना हुआ बड़ा ख्याल है, आप इसको तैयार करके मुझे कैसा लगा बताइएगा। चलिए अभी हम हमारे रूल के मुताबिक लास्ट में एक फिल्मी गाना भी लेते हैं, तो आज भी मैं एक फिल्मी सॉन्ग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो ट्यूटोरियल देखा वो था स्केल काली पांच यानी ए शार्प में, अब मैं जो ये गाना सुनाने जा रहा हूँ वो है स्केल सी शार्प यानी काली एक में, ताल है कहरवा, स्पीड है 110 110 BPM और सॉन्ग तो आप जान ही पाएंगे कौन सा वाला है, यमन कल्याण राग पर आधारित सॉन्ग।